हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याज़ा। दो प्याज़ा भिंडी बनाने के लिए हम सबसे पहले भिंडी को लेंगे, उसके दो पीस करेंगे, फिर इसको बीच में से कट कर लेंगे ऐसे, इसको भी बीच में से कट कर लेंगे ऐसे ही। हम अपनी सारी भिंडियों को दो पीस करके चार पीस कट कर लेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अंत तक देखते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। गाइस, भिंडी हमने सभी काट ली है, इनको हम एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए तीन प्याज, इनको हम बारीक नहीं काटेंगे, इनको बड़ा बड़ा काटेंगे। दो टमाटर, इनको मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया है और बीज भी निकाल दिया है, इनको भी बड़ा बड़ा काटेंगे। और चार मिर्च ली हैं हरी, इनको भी काट लेंगे। और लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, इनको भी अच्छे से बारीक काट लेंगे, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम बेसन ले लेंगे, कटोरी बेसन लिया है मैंने, इसको हम एक बाउल में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे, एक लिक्विड बना लेंगे हम इसका। भिंडी हमारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, ऐसे भिंडी बनाने से भिंडी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। इसको हम लिक्विड पेस्ट की तरह बना लेंगे। कोई भी गांठ बीच में नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लिक्विड बनाना है हमने। ये लिक्विड हमारा बन चुका है, इसी तरफ प्याज को भी काट लिया है मैंने, जैसे दो पीस करके प्याज के, फिर उसके बड़े बड़े पीस करने हैं, छोटे छोटे पीस नहीं करने हमने, इतने बड़े बड़े करने हैं। और टमाटर के भी बड़े बड़े पीस कर लेने हैं। इसके अलावा हरी मिर्च बारीक काट लेनी है और लहसुन भी बारीक काट लेना है हमने। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे और भिंडी को लेंगे, जो हमने लिक्विड तैयार किया है उसमें हम भिंडी को डिप करके फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम भिंडी को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। फिर जो भिंडी हमने काट कर रखी थी उसको हमने इसमें डिप कर लिया है, अब हम इस भिंडी को इसमें फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और ऐसे ही हम सारी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ऑन कदम ही देखिए, भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, कुछ पर बेसन ज़्यादा लगा है, कुछ पर कम लगा है, इसकी कोई फिक्र नहीं है, ये अच्छे लग रही है। अब भिंडी फ्राई हो चुकी है और तेल हमारा जो बचा है इसमें हम प्याज डाल देंगे, जो बड़े बड़े हमने काटे थे। साथ में ही हम लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हुए हैं, अब हम
हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी हल्दी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी थी वो डाल देंगे और टमाटर जो रखे थे वो डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। एक मिनट तक पकाएंगे इसको। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसमें जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे और अच्छे से मिलाकर दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं और भिंडी भी हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए भिंडी दो प्याज़ा कितनी टेस्टी लग रही है। आप भी अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए और अपने परिवार को बनाकर खिलाइए और हमारी इस डिश को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।